Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher, and today I am going to teach you some communication skill sentences. So now let's start. Now first sentence is, please give me side. बच्चों जैसे आप स्कूल आते हैं, अभी तो आप आए नहीं हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन जब भी आप स्कूल आओगे या चलिए हमारे घर में कोई हमारे सामने खड़ा हुआ है और आपको उनसे ये कहना है कि आप साइड में हो जाइए, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे उनसे? प्लीज़ गिव मी साइड. नाउ सेकेंड इज, प्लीज़ चेक माई बुक. आपको अपनी मैम से बुक चेक करवानी है, या मान लीजिए आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो आपको अपनी ट्यूशन वाली मैम से आपको अपनी बुक चेक करवानी है या नोटबुक चेक करवानी है, तो आप कैसे कहोगे मैम से? प्लीज़ चेक माई बुक. अगर आपको नोटबुक चेक करानी है तो आप कहेंगे प्लीज़ चेक माई नोटबुक, यानी कि कृपया मेरी किताब चेक कर दीजिए या फिर कृपया मेरी कॉपी चेक कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट इज, आई हैव गिवन. बेटा जैसे कहा जाता है चलो बेटा ये दो, तो आप कहते हो कि मैंने तो दे दिया. आप पहले से उस चीज़ को दे चुके होते हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे आई हैव गिवन, मैंने दे दिया. नाउ नेक्स्ट इज, आई विल डू इट. इसका मतलब है मैं इसे कर लूँगा. जैसे कोई काम कहा जाता है कि बेटा चलो ये फ्लावर बनाओ, तो आप कहते हो ना हाँ मम्मा मैं इसे बना लूँगा, मुझे आता है. तो जिस काम को हम कर सकते हैं तो हम उसके लिए कहेंगे आई विल डू इट, मैं इसे कर लूँगा. नाउ नेक्स्ट इज, सॉरी मैम आई डोंट नो. अब जैसे स्कूल में मैडम आपसे कुछ पूछती हैं तो आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं जानते आप, तो आप क्या कहोगे मैडम से? सॉरी मैम आई डोंट नो, कि मैम सॉरी मैं नहीं जानता या मुझे मालूम नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, यू कॉल मी. अगर कोई आपको बुलाता है बच्चों और आप उनके पास जाते हैं तो आप उनसे क्या कहोगे? आपने मुझे बुलाया. तो यू कॉल मी, आपने मुझे बुलाया. नाउ नेक्स्ट इज, आई हैव अ पेंसिल. बच्चे आपस में पूछते हैं कि आपके पास पेंसिल है या आपके पास इरेजर है या आपके पास कटर है. तो आपके पास मान लीजिए पेंसिल है तो आप कहते हो मेरे पास पेंसिल है. तो आपके पास एक पेंसिल है तो आप कहोगे आई हैव अ पेंसिल, यानी मेरे पास एक पेंसिल है. अगर आपके पास टू पेंसिल्स हैं तो आप कहोगे आई हैव टू पेंसिल्स. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज, आई ब्रिंग माई इंग्लिश बुक. मैं अपनी इंग्लिश की बुक लेकर आया हूँ. एंड नेक्स्ट इज, आई वॉन्ट टू गो होम. आप जैसे कहीं आप चले गए हैं और आपको घर की याद आ रही है, आप घर जाना चाहते हो, तो आप कहते हो कि मुझे घर जाना है या मैं घर जाना चाहता हूँ, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ. नाउ नेक्स्ट इज, आई वॉन्ट टू प्ले. अब आपका खेलने का मन कर रहा है तो आप अपनी मम्मी से कहते हो कि मम्मा मैं खेलना चाहता हूँ, तो कहोगे आप आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ. तो बच्चों ये थे कुछ छोटे छोटे से कम्युनिकेशन स्किल के सेंटेंसेस जो हम डेली इनको बोलते हैं, तो आपको भी इनको बोलने की प्रैक्टिस करनी है. सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.